हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेचर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12 जो है विटामिन्स के बारे में। और चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 5 फार्माकोग्नोसी का, ठीक है, जिसके अंदर हम विटामिन के बारे में समझेंगे। विटामिन बोल लो, विटामिन्स बोल लो। और उसमें हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं खास, कॉड लिवर ऑयल और शार्क लिवर ऑयल, जो कि अपने कोर्स में है। तो चलें विटामिन्स के बारे में कुछ आइडिया, चलो और देखते हैं क्या है, ठीक है। विटामिन्स की मैं यहाँ डिटेलिंग कर रहा हूँ, ये डिटेलिंग अपने कोर्स में नहीं है, फिर बता रहा हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। विटामिन्स क्या है, क्या क्या कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। जो स्टार्टिंग डिटेलिंग है, हाँ, इसकी डेफिनेशन पक्का पता होनी चाहिए कि विटामिन होते क्या है। जो भी टॉपिक हमने पढ़े, जो भी हेडिंग्स है, एंटीसेप्टिक होते क्या है, डिसइंफेक्टेंट होते क्या है, या उससे पहले जो भी हमने पढ़े हैं, ठीक है ना, उन सब की डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, कई बार आ जाती है, ठीक है। तो आओ देखें विटामिन्स क्या है। विटामिन इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सबसे पहली बात, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है, जिनके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इट इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ साथ बहुत ही जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं? जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को माइक्रोग्राम में होती है, खास लिमिट होती है, उसके नीचे ही चाहिए होते हैं, उससे ज़्यादा उनकी ज़रूरत नहीं है। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी, लेकिन चाहिए, उसके बिना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। विच एन ऑर्गेनिज्म नीड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, क्या है ये? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जिसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी चाहिए होती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म, जो कि कई सारे मेटाबॉलिज्म, यानी कि बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर इनकी जरूरत होती है, ठीक है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। Essential nutrients cannot be synthesized in the organism. जो essential nutrients होते हैं उनको essential ही इसलिए बोल दिया गया है, देखो essential, essential इसलिए बोल दिया गया, जरूरी है। क्यों? हमारी बॉडी उसको खुद नहीं बना पा रही है। क्यों हमारी बॉडी उसको खुद नहीं बना पा रही? इसलिए जरूरी है। कहाँ से आएंगे फिर वो? जो हम खाना खाते हैं, जो हम डाइट लेते हैं, उस डाइट के थ्रू वो हमारी बॉडी में पहुँचते हैं, इसीलिए जरूरी है। तो कह रहा है essential nutrients cannot be synthesized in organism either at all, या तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, और not in sufficient quantity, या अगर बन रहे हैं उतने नहीं बन रहे हैं जितने की हमको जरूरत है, तो उनको हम लोग essential बोलते हैं, and therefore इसीलिए must be obtained through the diet, उसको हम लोग diet से प्राप्त करते हैं। The term vitamin does not include the three other group, कह रहा है vitamin हम बोलने का मतलब क्या है? vitamin vitamin होते हैं, vitamin का मतलब क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है? vitamin में minerals नहीं आएंगे, विटामिन में एसेंशियल फैटी एसिड नहीं आएंगे, विटामिन में एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं आएंगे। तो कह रहा है द टर्म विटामिन डज नॉट इंक्लूड द थ्री अदर ग्रुप्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो विटामिन में काउंट नहीं होते हैं। कौन कौन से? मिनरल्स, एसेंशियल फैटी एसिड और एसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर है? मोस्ट विटामिन आर नॉट सिंगल मॉलिक्यूल, ज्यादातर ये सिंगल नहीं होते हैं, ग्रुप का ग्रुप होता है, कई सारे ग्रुप से मिल करके बनता है, जैसे कि बट ग्रुप ऑफ रिलेटेड मॉलिक्यूल कॉल्ड विटामर्स। ये जो मिलकर ग्रुप मिल करके एक विटामिन बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन्स। एग्जांपल दे रहा है, देयर आर 8 विटामिन्स और विटामिन ई। विटामिन ई 8 से मिलकर बना होता है, 4 होते हैं उसका टोकोफिरॉल और 4 होते हैं टोको ट्राइनॉल, ठीक है ना, 4 टोकोफिरॉल और 4 टोको ट्राइनॉल मिल करके क्या बना रहे हैं मेरे पास? विटामिन ई बना रहे हैं। तो ये ग्रुप है और ग्रुप की वजह से उन ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन्स बोल रहे हैं। सम सोर्स लिस्टेड 14 विटामिन्स, कुछ सोर्स यानी कि जो रिसर्च पेपर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे रिसर्च होती है इनकी, वो कुछ लोग कहते हैं कि विटामिन्स कितनी है? 14 टाइप की हैं, बाय इंक्लूडिंग कोलिन, उसमें कोलिन को भी इंक्लूड किया जाता है। बट मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो ज्यादातर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है कौन सी विटामिन जरूरी है, वो कहती है कि नहीं भैया, केवल 13 ही हैं, कोलिन को काउंट नहीं करते वो, ठीक है। और 13 कौन कौन सी हैं? आओ देखते हैं। तो 13 मेरे पास कौन कौन सी हैं उसको देखते हैं। तो ये रहा, अब ये 13 यहाँ मेंशन है मेरे पास। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, मैं ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कुछ खास खास मैं बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पूरा मेंशन कर रखा है, एकदम बताता हूँ। जैसे कि विटामिन ए, इसका दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल भी कहते हैं, रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं, रेटिनल और कैरोटीनॉइड भी कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ये हमारी बॉडी में करते क्या है? ग्रोथ में जरूरी है, मेंटेनेंस ऑफ स्किन के लिए जरूरी है, बोन डेवलपमेंट में जरूरी है, मेंटेनेंस ऑफ माइलिन, माइलिन कहाँ पाई जाती है? हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर पाई जाती है, मेंटेनेंस ऑफ विजन, ये सब
इतने सारे काम करता है विटामिन ए, इसलिए विटामिन ए क्या है, जरूरी है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से मैंने काउंट करें जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो 13 जो बहुत जरूरी उनके बारे में लिखा मैंने, उनके कॉमन नेम। अच्छा, ये कॉमन नेम कौन क्या करता है ये जरूरी नहीं है अभी हमारे लिए। हमारे लिए क्या जरूरी है, विटामिन होते क्या हैं, ठीक है ना, उनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। कितने कितने हैं टोटल, टोटल 13 हैं। हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं यहाँ लिखे हुए हैं, रीड करना, समझना, नॉलेज के लिए है, ठीक है, ये सब कोर्स में नहीं है। ओके, अब क्या है अपना, कोर्स में नहीं होने का मतलब क्या है, पूछेगा नहीं, जनरल वे में पूछ सकता है, गिव एग्जाम्पल। तो 3-4 विटामिन याद कर लो, उनके कॉमन नाम याद कर लो, क्या काम करते हैं वो नाम याद कर लो। एक जनरल सी बात आ सकती है, कोई पर्टिकुलर किसी एक को लेकर बात नहीं आएगी। तो ये नॉलेज के लिए है, क्यों, आगे हायर क्लास में विटामिन के बारे में बातें होंगी तो ये नॉलेज सारी तुम्हारे पास होनी चाहिए। क्लियर है, आगे आते हैं। तो ये आगे मेरे पास 13 टाइप के विटामिन, उनके कॉमन नेम्स और वो क्या काम हमारी बॉडी में करते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन की बात करें तो विटामिन को दो टाइप में तोड़ा हुआ है, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। ऐसे विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं और ऐसे विटामिन जो पानी में नहीं घुलते हैं। जो पानी में घुल जाते हैं उनके साथ दिक्कत क्या है, वो पानी में घुल करके हमारी यूरिन के साथ, पेशाब के साथ बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं, तो उनकी कमी हो जाएगी बॉडी में। जब कमी हो जाएगी तो लगातार हमको उनको क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, यानी कि डाइट में लगातार चाहिए। जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो हमारी बॉडी के फैट में जाके स्टोर हो जाते हैं, बॉडी से निकल के नहीं जाएंगे। तो इसीलिए जनरली विटामिन ए डी ई के इनकी कमी बहुत ही कम होती है। सबसे ज़्यादा कमी किसकी होगी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की और विटामिन सी की। तो जनरली कैप्सूल आता है बीकासूल या बी कॉम्प्लेक्स, क्यों बीकासूल का ही विटामिन में, क्यों बी कॉम्प्लेक्स का ही कैप्सूल आता है, क्यों विटामिन सी की ही टैबलेट आती है, क्योंकि ये सब क्या है, वाटर सॉल्युबल है, ये हमारी बॉडी से यूरिन से पास आउट हो जाती है, तो इनकी बॉडी में कमी हो जाती है। ये तो स्टोर होकर बैठ गए फैट में, बॉडी से निकलेंगे ही नहीं। हाँ, रेयर चांस है कुछ बीमारी वगैरह हो जाती है तो इनकी भी कमी हो जाती है, तब इनकी भी दवाइयाँ खाई जाती हैं। खैर, एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं। तो बी कॉम्प्लेक्स में एनर्जी रिलीजिंग कुछ डिवाइड कर दिया जो एनर्जी देते हैं, हीमोपोएटिक खून बनाने में या कुछ अदर काम करते हैं अदर में, ये फैट सॉल्युबल। तो मोटा मोटा तुम्हें याद रखना है, वाटर सॉल्युबल में कौन है, बी और सी, बी एंड सी वाटर सॉल्युबल, ऐसे याद कर लो, डब्ल्यू बी सी होता है वाटर सॉल्युबल, बी और सी है। बाद बाकी ए डी ई के टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 हैं। 6 में से अब बी के ही कई सारी वैरायटी होती है, B1, B2, B3, वो एक अलग बात है। मोटे मोटे टोटल 6 हैं, 6 में से 2 इधर हैं, 4 इधर हैं। क्लियर है? अब ये चाहो तो आगे याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन टाइप्स ऑफ विटामिन, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल पता होना चाहिए। क्लियर है? सोर्स ऑफ विटामिन की बात करें तो एक छोटा चार्ट बना दिया मैंने, विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलेगा, बीफ लीवर से एंड अदर ऑर्गन, मीट से है, सलमोन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ऑरेंज है, येलो वेजिटेबल्स है। तो इस सोर्स लिख दिया मैंने जस्ट समझने के लिए कि कहाँ से क्या चीज़ मिल रही है। विटामिन बी वन ग्रेन से मिल रहा है, मीट से मिल रहा है, फिश लेग्यूम सीड से मिल रहा है, बी टू राइबोफ्लाविन चीज से मिल रहा है, आलमंड बादाम से मिल रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट नॉलेज के लिए, रीड करना, समझना, मजा आएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन्स। ये भी याद नहीं करना, समझना है इसको, ठीक है ना। हमारे कोर्स में क्या है, केवल कॉड लिवर ऑयल और शार्क लिवर ऑयल, जिसके बारे में पढ़ेंगे समझेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या क्या हो जाता है जनरली। विटामिन ए केमिकल नाम क्या है, ये केमिकल नाम मैंने वहां पर भी दे रखा था, यहाँ पर भी दे दिया है। इनकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और केराटोमेलेसिया, अब हर एक डिजीज को हम यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये जनरल दे दिए हैं कि इससे ये डिजीज होती है, इससे ये डिजीज होती है। एक आप क्या कर सकते हो, नॉलेज पर्पज से इनको याद कर सकते हो कि किस बीमारी से, किस विटामिन से क्या डिजीज हो रही है। बेरी बेरी, रिकेट, ऑस्टोमलेसिया, बोन की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, पेलेग्रा, ये सब क्या है, विटामिन से होने वाली डिजीज है। तो कई बार तुम्हारे पास क्या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजीज ऑफ विटामिन, 3 देगा, चौथी नहीं देगा, तो याद होनी चाहिए ये, ठीक है। फिलहाल इसका डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, इसलिए आना नहीं चाहिए अला क्वेश्चन। मेन उसमें हमारे पास क्या आने वाला है, विटामिन क्या होते हैं, उसके टाइप जनरल आ जाएंगे, ठीक है ना, और 2-3 बीमारियां याद कर लेना। अब बात करते हैं विटामिन हमें मिलते हैं कहाँ से, खास करके एक जो कॉमन दे दिया है कॉड लिवर ऑयल। एक फिश होती है, इसका नाम क्या है, कॉड। इस फिश का नाम ही क्या है, कॉड। इसका लिवर मारते हैं, इसको इसका लिवर निकालेंगे, उसके लिवर से तेल निकाला जाता है, वो एक अलग प्रोसेस है। तेल कैसे निकलता है हम वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या है यहाँ पर, मेन आते हैं सिनोनिम में चले जाएं इसके, तो ऑयलियम मोरई,
ऑयलियम मोराई या मोरी, जिस नाम से इसको बुलाना चाहो, बायोलॉजिकल सोर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रेश लीवर ऑफ कॉड फिश। इस फिश के फ्रेश लीवर से बनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, गैडस मरुआ और फैमिली ग्लैडिएडी। ठीक है ना, तो मैं पहले बताया था, अगर नाम याद नहीं हो रहे तो ऐसे नहीं कि सर ने पढ़े मरुआ, कैसे पढ़ोगे, गैडस मोर रहुआ, मोर मोर हुआ, ठीक है ना, जैसे याद कर पाओ, ग्लैडी डे, ग्लैडी डे, ठीक है ना, मैंने पहले बताया, जैसे याद कर पाओ, नाम को उसी हिसाब से प्रनाउंस करना है। केमिकल कंस्टेंट की बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए सबसे ज्यादा खाया जाता है इसे। देन इकोसा पेंटेनोइक, इकोसा पेंटेनोइक एसिड ईपीए, डुकोसा हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, तो कायदे से पढ़ना है, लकीर का फकीर नहीं बनना है। विटामिन ए और डी, अच्छा ये भी अंडरलाइन हो उसमें कलर आ गया, कोई बात नहीं, विटामिन ए और डी भी इसके अंदर पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ठीक है, आर्थराइटिस को कम करेगा, एंजाइटी डिप्रेशन को कम करेगा, प्रमोट हेल्थ, हेल्दी फीटल ब्रेन, फीटल मतलब बच्चा, जो बच्चा गर्भ में होगा, पेट में होगा, उसको फीटल कहा जाता है, फीटस कहा जाता है, उसके ब्रेन को अच्छा करेगा, आंखों के लिए अच्छा है, बोन डेंसिटी बढ़ाएगा, बोन को मजबूत करता है, लोअर रिस्क ऑफ टाइप 1 डायबिटीज व्हेन यूज्ड इन प्रेगनेंसी एंड इन न्यूबॉर्न्स। ठीक है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, नए बच्चे होते हैं, उनके अंदर डायबिटीज को रोकता है, सपोर्ट अ हेल्दी इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। तो देखो यूजेस तो ऐसा है, थोड़ा बहुत दो चार चीजें मन से बना के लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ये नहीं कि रख दे सर इसका मिक्सअप हो जाता है, मिक्सअप होता कोई बात नहीं है, यूज चल जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन एक दो यूज, दो यूज तो कम से कम ऐसे पक्के से याद करो, दो से तीन जो बिल्कुल उसी से होते हो। हाँ, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो तो हो सकता है, जैसे मैं हमेशा बताता आया हूँ, कुछ कॉमन चले आ रहे हैं सब में ही है, तो कॉमन को कॉमन ही दो तीन याद कर लो, वो सबके लिए हो जाते हैं, क्लियर है, चले आगे। ओके, नाउ द शार्क लिवर ऑयल, शार्क से दुनिया भागती है, यहाँ इंसान शार्क को पकड़ करके लिवर निकाल करके उसका क्या निकाल रहा है, तेल निकाल रहा है ना, शार्क लिवर ऑयल। शार्क छोटी भी होती है, शार्क बड़ी भी होती है, बड़ी को तो कोई नहीं पकड़ेगा, खैर छोटी छोटी होती है ये, ठीक है, इनका सिनोनिम क्या है, ऑयलियम सेलकॉइड्स। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं मैं अगर, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रेश एंड प्रिजर्व्ड लीवर, ऐसा होता है, समुद्र में पाई जाती है तो फ्रेश तो ये नहीं है, तो ऐसा है नहीं कि मछुआरे जब जाते हैं, जानते होंगे जो विदेशों में अगर कभी डिस्कवरी वगैरह देखी होगी, मछुआरे चले जाते हैं, एक एक महीना जाकर के मछलियां पकड़ते हैं, बड़ी सी बोट होती है, अंदर उनके आइस वगैरह रहती है, उसमें प्रिजर्व करते रहते हैं उसको वो लोग, ठीक है ना, तो क्या होता है, क्योंकि शार्क ज्यादातर का नदियों में तो मिलेगी नहीं, समुद्र में मिलेगी, तो फ्रेश भी हो सकती है तुरंत तुरंत, या प्रिजर्व, जिसको अपने लीवर को प्रिजर्व किया हुआ है, ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ शार्क मेनली फ्रॉम, और उस स्पीसीज में सबसे ज्यादा खास स्पीसीज जहां से इसको निकाला जाता है, हाइपोप्रियन या प्रायन ब्रेविरोस्ट्रिस, ब्रेविरोस्ट्रिस ऑफ फैमिली कर्च, कचरा, कचरा नहीं करचा, करचा करचा कारचा राही राही नीडी या नीडे, ठीक है ना, करचा या करचर राय नीडे, ठीक है ना, करचर ही नीडी। इन इंडिया, इंडिया की बात करें तो स्कोलिडोन, स्कोरियोडोन, करचरियास एंड सफ्राइना, सफायराना आर कॉमन, इंडिया के अंदर ये तीन चार कॉमन है जिसके अंदर से इसको निकाला जाता है। बात समझ में आ रही है, ये बायोलॉजिकल सोर्स, नाम तो देखो थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, पढ़ने पड़ेंगे, मेन क्या है, ये विटामिन ए के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर विटामिन ए काफी अच्छा पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, ग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी, विटामिन ए, विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है, आंखों के लिए होता है, आंखों की एक बीमारी होती है, आंखें ड्राई ड्राई रहती हैं, आंखों में लालपन आ जाता है, उसका एक थोड़ा सा एडवांस लेवल चला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जीरोप्थैल्मिया, क्या कहते हैं, जीरोप्थैल्मिया, और उसको रोकेगा तो एंटी जीरोप्थैल्मिया, यानी कि ये जीरोप्थैल्मिया को कम करता है। यूज इन सनबर्न ऑइंटमेंट, जो धूप से स्किन वगैरह नहीं जल जाती है, उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, तो ये हमारे पास विटामिन्स भी यहां पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है सर, पढ़ना है, ठीक है, पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है और पढ़ते रहना है, ठीक है, ऑल द बेस्ट।